डॉलर ऊपर जा रहा है, आटे की कीमत ऊपर जा रही है, इतनी परेशानी है, बीमारियां नीचे नहीं आ रही और वो बढ़ रही हैं। कराची में हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है। डेंगू टेस्ट के 2 से 3 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। समा ने ये खबर नशर की तो टेस्ट के रेट कम कर दिए गए। देखिए मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट। लेबोरेटरीज डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। समा ने चंद रोज कबल कराची में डेंगू टेस्ट के नाम पर लेबोरेटरीज की लूट मार को बेनकाब किया था कि किस तरह 200 रुपए तक की स्ट्रिप से टेस्ट करके 3000 रुपए तक वसूल किए जा रहे थे और जो शहरी पहले ही महंगाई से परेशान थे उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया था। समा की इस खबर के बाद कराची में कई अस्पताल चलाने वाली अलखिदमत फाउंडेशन ने डेंगू टेस्ट की कीमत 370 रुपए मुकर्रर कर दी है। हमारे इदारे ने एक अच्छा इकदाम करते हुए डेंगू के टेस्ट की कीमतें जो वैसे ही काफ़ी कम थी उसको और मजीद कम करते हुए 307 रुपए मुकर्रर कर दिया है। मलेरिया का जो टेस्ट है उसके जो निर्ख हैं उसमें भी कमी कर दी गई है और सिर्फ 200 रुपए में ये टेस्ट हमारी लेबोरेटरी से करवाए जा सकते हैं। प्लेटलेट काउंट के टेस्ट के ऊपर भी हमारे इदारे ने बहुत डिस्काउंट दे दिया है और वो सिर्फ 200 रुपए में हमारे इदारे से कराया जा सकता है प्लेटलेट काउंट का टेस्ट। अलखिदमत के इस इकदाम से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे बहुत मुनासिब हैं जो हर गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। वही डेंगू का टेस्ट जो बाहर 1500 और 2500 के दरमियान हो रहा था तो यहाँ पर वो टेस्ट हमें 370 का हमारे पास उन्होंने पर्ची हमें बना कर दी है। डेंगू मलेरिया वगैरह के जो टेस्ट हैं बाहर 2000 2500 3000 रुपये से कम में टेस्ट नहीं हो रहे, वो यहाँ पर 300 रुपये 500 रुपये 700 रुपये 750 रुपये इनफ फीस है यहाँ पर। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद कई डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स में ही डेंगू टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बेहतरीन हमारे पास इसके लिए जो है वो डेंगू एनएसवन एंटीजन की जो किट है हमारे पास वो मौजूद है जो कि बहुत इकोनॉमिकल भी है। सिर्फ 100 रुपये का टेस्ट हमें पड़ता है इसका और हम उसको फौरन उसको क्लिनिक के ऊपर करके 2 मिनट के अंदर जो है हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो फजूल और मजीद खर्चे से बच जाता है और दूसरे टेस्टों से बच जाता है। इस किट के ज़रिए हमें फ़ायदा ये है कि एक तो फौरन ऑन द स्पॉट हमें इस पता चल जाता है कि इसको डेंगू है कि नहीं है, दूसरा पेशेंट के जो है टाइम वो भी बहुत जल्द बचता है, 2 मिनट के अंदर आपको पता चल गया। पैसे में बिल्कुल 100 रुपीज़ का टेस्ट है, कोई महंगा ही नहीं है, आराम से पेशेंट दे देगा। दूसरा लैब जाना लैब से आना, वो पेशेंट की तबीयत इतनी ख़राब होती है बार दफ़ा कि वो उसको लोग पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं, उसका लैब जाना मुश्किल होता है, वो नहीं जा पा रहा होता। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद महकमे सेहत सिंध ने निजी लेबोरेटरीज के लिए डेंगू के टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 850 रुपए मुकर्रर की है मगर कई बड़ी लेबोरेटरीज अब भी इससे कहीं ज्यादा कीमत में डेंगू टेस्ट कर रही हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। डेंगू के वार तेज होने लगे हैं, हज़ारों लोग डेंगू का शिकार होने लगे हैं। कई अमवात ऐसी हैं जो कि अब तक रिपोर्ट हो चुकी है और कई ऐसी जो रिपोर्ट नहीं हुई है। अक्सर लोग डेंगू का शिकार होने के बाद पपीते के पत्तों का अर्क इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जी आप मच्छरदानी इस्तेमाल करें, मोस्पल यूज़ करें, या इसके अलावा कहते हैं कि आप सेब और लेमन का जो वो है रस वो भी मिक्स करें। जी जी, और भी बहुत सारे टोटके होते हैं, ये हमने कोविड में भी देखा था कि बहुत सारे टोटके थे लेकिन ये टोटके कारआमद है, लेने के देने पड़ गए थे लोगों को, उल्टा पड़ गया। हाँ, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जहाँ पे मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है वहीं पे जो हमारी इम्यून सिस्टम है उस सिस्टम है उसको बूस्ट करना भी बेहद ज़रूरी है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो डेंगू में कहा जाता है कि पपीते के पत्ते हैं ना, उसका और ये कर लें तो सेब का जूस पिए, ये कितना ज़्यादा अच्छा होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, मदद करने का। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यकीनन नेचुरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और जूसेस बिल्कुल सही है, लेकिन इसका हम कहते हैं कि जब बीमारी से पहले आप अपने मुदाफती निज़ाम को बेहतर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वंस आपको बीमारी हो गई फिर आप अपने आप को ना डॉक्टर के मशवरे से अमल करना बेहतर है, क्योंकि उसको अगर बिल्कुल आप इलाज ही समझे और उसी को कंटिन्यू करेंगे और खुदा न खास्ता जो तिब्बी मशवरा है डॉक्टर से उस पर अमल नहीं करें
तो वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो जूसेस वगैरह यकीनन बेहतर है और मुनासिब है, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो फिर दवाई और मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि कभी कभार ये लोग इस तरह के पपीते के पत्ते अनहाइजीनिक कंडीशन में क्रश करते हैं और उससे और बीमारी हो जाती है। अक्सर पेट जो क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, पत्ते डायरेक्ट वो क्रश करते हैं, उसमें मिट्टी धूल और जरासीम भी हो सकते हैं, या उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं और अपने प्लेटलेट्स चेक नहीं करते और उसमें काफ़ी फिर देर हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे मरीज हॉस्पिटल आते हैं जो यही टोटके इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। तो डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है और अपने जो लेबॉरेटरी टेस्ट है उस पे बेस करके आप आगे की हिकमत अमली डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करता है। तो टोटके से कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी के वक्त इस तरह के टोटकों को लाजमी हिस्सा ना बनाया जाए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से अमल किया जाए ताकि बीमारी का पूरा इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि जब आप उन्हें बाहर लेके जाते हैं तो माएँ ये करती हैं कि उनके हाथों पे मोसपेल लगा देती हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए तो पाँव पे मोसपेल लगा दिया कि उन्हें मच्छर ना काटे। आप बच्चों को, इन्फेंट्स जो हैं, उन्हें मोसपेल लगाया जा सकता है? आप उनको उन जगहों के जो वो मुंह में ना ले जाएं, मतलब हाथ हो गया जैसे या पाँव हो गए, वो मुंह में अक्सर लेके जाते हैं ना बच्चे पाँव, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उनको डाम के रखें जिस तरह मुमकिन हो सके, मैक्सिमम जो कपड़ा या मोज़े पहनाए जाए, और मोसपेल वहाँ पे अगर लगाना ज़रूरी है तो कोशिश करें कि वो मुंह में इस तरह के केमिकल्स जो है ना लेके जाएं और उस पर फिर एहतियात करनी चाहिए। तो मोसपेल एहतियात मच्छर से ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको खुदा नखास्ता उससे कोई एलर्जी या केमिकली कोई नुकसान हो। तो माओ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी इन दिनों में। अच्छा। कि अपने जो छोटे बच्चे जो स्पेशली उनको पता नहीं है और वो वैसे अक्सर बच्चे अंगूठा और हाथ मुंह में लेके जाते हैं, तो उस पर अगर मोसपेल लगा हो तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन कमिंग टू द टोटका एंड ऑल, अब होता यह है कि चले घर में तो टोटका हम कर लेते हैं, आजकल मसला ये है कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो नीम हकीम के पास चले जाया करते थे, अब बहुत सारे नीम हकीम सोशल मीडिया पे बैठे हुए और वो बता रहे कि जी आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें। लोगों को प्लीज़ ये आगाही दीजिए कि अगर किसी एक की बॉडी टाइप सूट कर गई किसी एक टोटके पे, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि वही चीज़ आप पे भी सूट करें। अच्छा, टोटके के जो असल कंसेप्ट वो ऐसा आता है ना कि इसमें अगर आप डेंगू ले ले या कोविड ले ले, उसमें अक्सरियत लोग वैसे सही हो जाते हैं, मतलब 90% या 95% लोग अगर वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल रखे, डॉक्टर के कुछ भी ना ले इस तरह की कोई, तो वो सही हो जाते हैं। अब बीच में वो कुछ लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि उस वजह से सही हो गया, सही है, और ये फिर वो टोटके को वो दवा समझ लेते हैं और फिर वो दूसरों को मशवरा देते हैं। तो सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि इस तरह की अक्सरियत जो बीमारियाँ, चाहे कोविड हुआ, डेंगू हुआ, इसमें ओवरऑल बाकायदा कोई इलाज मौजूद नहीं है, कोई दवाई ऐसी ज़रूरत नहीं पेश आती, सिर्फ आपने एक हफ्ता 10 दिन जो है वो गुजारने हैं। अगर खुदा नखास्ता बुखार है तो उसको जो पैरासिटामोल वगैरह की तरह दवाई वो लेनी पड़ती है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई दवाई की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा। इवन अगर आप इस तरह के ना भी लें तब भी आप विद इन अ वीक टाइम सही हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सही हो जाते हैं टोटका लेते हुए तो वो दूसरों को फिर ये कहते हैं इस वजह से सही हुआ, ये कोविड में भी यही हुआ और अभी डेंगू में भी यही हो रहा है। अक्सरियत वैसे लोग सही हो जाती है, जिस तरह मैंने कहा कि 90% जो है लोग वैसे सही हो जाते हैं, वो सिंपल आपको उनको मैनेज करना होता है या उनको मॉनिटर करना होता है। बाकी इम्यून सिस्टम जो इंसान का है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये खुद बहुत सही हो जाता है, और नॉर्मल आप डाइट लेते रहें, जो रूटीनली हम ले रहे होते हैं, फूड और जूसेस लेना वैसे ही मुनासिब है, हर वक्त जो है डेली रूटीन में लेना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा उस वक्त कोई सिर्फ फ्लूइड्स आप ले लें वो काफ़ी है। तो ये टोटके नुकसानदेह इसलिए साबित होते हैं कि वो टोटको ही को दवाई समझ के हर बंदा फिर अप्लाई करता है, और कुछ केसेस दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिसका किसी का प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, नेचुरली कम होता है, किसी की इम्यून सिस्टम वैसे थोड़ा होता है, कोई और बीमारी होती है, तो ये टोटके उनके लिए फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो गुजारिश है सबसे कि टोटको से अपने आप को बचाएं और डॉक्टर से मशवरा कर लें, और अपने जो लेबॉरेटरी टेस्ट है उस पे आप जो है, अगर वो ब्लडलेट्स पहले से बहुत मुनासिब है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो डॉक्टर्स तो अभी आखिर हद तक वो भी मॉनिटर करते हैं, इवन जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो अननेसेसरी वो कोई प्लेटलेट्स या ब्लड नहीं चढ़ाते, ताकि मरीज का अपना जो इम्यून सिस्टम है उसी पे अगर वो सही हो जाता है तो डॉक्टर उसी को प्रेफर करता है, और अननेसेसरी कोई दवाई भी देना जो है वो डॉक्टर्स जब ज़रूरत नहीं हो तो वो नहीं देता। तो इस तरह बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी टोटकों से अपने आप को
महफूज रखें और दूसरों को भी पास ऑन ना करें, क्योंकि ये अगर एक टोटका आपके लिए आप समझते हैं कि आपके लिए करामत है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो करामत, बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी बता दें कि हम तो वैसे डेली बेसिस पे कहते रहते हैं लेकिन आपकी बात का ज़्यादा असर होगा, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि हम कहते हैं कि घर की खिड़कियां बंद है तो हमारे घर में डेंगू नहीं आ सकता, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमने दिन में एक दफ़ा स्प्रे कर लिया ये काफ़ी है। मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, स्पेशली माएँ और स्पेशली वो बच्चे जो कि बाहर खेलते हैं, जाके मिट्टी में खेलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बच्चों ने शाम को बाहर तो जाना ही है, तो कैसे बच सकते हैं? डेंगू एक बीमारी ऐसी है जो हर काफ़ी मुल्कों में है, तो वो लोग जिस तरह फॉलो करते हैं, जिस तरह इंडोनेशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है, वो लोग भी इसका पूरा साल जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं और उसको देखभाल करते हैं किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे यहाँ जो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे प्रिवेंशन है जो होनी चाहिए, फिर इनफरादी तौर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वो बहुत ज़रूरी है, चाहे गवर्नमेंट कम करे, ज़्यादा करे या ना करें, लेकिन जो इनफरादी हमारी एहतियाती तदाबीर है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा अपना है। अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो बाद में हम कितना भी गवर्नमेंट को ब्लेम करें लेकिन हमारे बच्चे खुदा ना खासा बीमार हो सकते हैं। तो जिस तरह आपने बताया ये ज़रूरी है कि हम क्योंकि ये बीमारी मच्छरों की वजह से होती है, वायरस मच्छर के ज़रिए फैलता है, तो हमने हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को महफूज रखना है। इसमें कोई आपने वो नहीं करनी कि एक्स वाई जेड जो है कोई मच्छर है, हर तरह के मच्छर से आपने आपको महफूज रखना है और हर वक्त महफूज करना है, शाम और दोपहर या सुबह। ये वाला कंसेप्ट आम पब्लिक के लिए इसको हमें जर्नलाइज करना चाहिए कि हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को जब आप महफूज बनाएंगे तो डेंगू समेत बाकी बीमारियों से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे आस्तीनों वाले कपड़े बच्चों को पहनाएं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।